हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके थे 1.4 तक। अब हमारा लास्ट टॉपिक है 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल, कि दोबारा से क्या होता है जो खेतों में क्या होता है, फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन जब होता है तो क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, तो किसान क्या क्या करते हैं इतनी सारी क्रॉप्स के लिए न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करवाने के लिए, तो वो उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह या जिन्हें फर्टिलाइज़र्स कहते हैं उनको ऐड करते हैं, या फिर उसमें कुछ घर से बनी हुई खाद जिसे मैन्योर कहते हैं उसको उसका एडिशन करते हैं उसमें, तब जाकर कहीं उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती है, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र मैन्योर, ठीक है, कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फोरस, ये आपके फर्टिलाइज़र और मैन्योर के अंदर होते हैं। ठीक है, इनको ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी फुलफिल हो सकें। ठीक है, यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, यू लर्न दैट तो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर, प्लांट कैन नॉट यूज इट इन मैनर, दे नीड नाइट्रोजन इन ए सोल्यूबल फॉर्म, द बैक्टीरियम कॉल राइजोबियम कैन एटमोस्फेरिक, एक आपका बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो वातावरण में नाइट्रोजन होती है 78%, ठीक है, उसको प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, जबकि प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उस नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करता है राइजोबियम बैक्टीरिया जो प्लांट की जड़ों में प्रेजेंट होता है, वहाँ से वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके उस फॉर्म में ले आता है जिसमें वो प्लांट की जो रूट्स हैं वो उनको ले सकें। ठीक, और नेक्स्ट आपका ये दे रखा है, इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम पीज मूंग बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, जो दलहन टाइप के होते हैं दाल वगैरह जिसमें इसमें सॉलिड आपके छोटे छोटे जैसे चना है और आपकी दाल है, ठीक है, राइस वगैरह, इनको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट आपका चैप्टर कंप्लीट, और ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर 7th क्लास की बुक के, ठीक है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्गेनिज्म को भोजन लेने की क्या ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि जीवित रहना पड़ता है सबसे बड़ी बात, ठीक है, और एनर्जी चाहिए होती है, जीवित तो रहना पड़ता है, एनर्जी चाहिए होती है, तो जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उनकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशन लेना पड़ता है, फूड लेना पड़ता है, चाहे हम रनिंग करें, ठीक है, रनिंग प्लेइंग और स्टडिंग इटीसी सभी के लिए हमें क्या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वेरियस कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स विटामिन्स मिनरल्स ये सारे के सारे आपकी जो फूड में प्रेजेंट कंपोनेंट होते हैं ये हमें क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं बॉडी को, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, ये हमारी ग्रोथ और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोप्स, कि आपके सैप्रोट्रोप्स और ये पैरासाइट और सैप्रोट्रोप्स का क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस बताने हैं। देखो, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी के ऊपर ग्रो करता है और उससे ही अपना भोजन लेता है, ठीक है, दूसरे की बॉडी पर रहकर, ये पैरासाइट होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका कस्क्यूटा दे रखा है। नेक्स्ट, सैप्रोट्रोप्स क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर
इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म अपना पोषण मरे हुए और सड़े हुए या अपघटित पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, वो सैप्रोट्रॉप्स होता है। ठीक है, इसमें फंगाई इसका एग्जांपल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कि पत्तियों में स्टार्च है इसका पता आप कैसे लगाओगे। कि आपने एक एक्टिविटी भी की थी कि दो तरह के प्लांट लेने, आपको एक को छाया में रखना है, ठीक है, और एक को धूप में ग्रो करना है कुछ दिन के लिए। ठीक है, छाया में रखना है डार्क रूम में, और एक को क्या है सनलाइट में रखना है। तो आप देखोगे कि जो सनलाइट में रखा हुआ प्लांट है उस पर आपने आयोडीन डाला, एक केमिकल होता है, उसको आपने पत्तियों पे लगाया आयोडीन को और टेस्ट किया उसको। ठीक है, उसका जो कलर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा लीव्स का। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, जबकि जो आपका जो डार्क रूम में रखे हैं, ठीक है, तो उसकी जो पत्तियां होंगी वो आयोडीन जो केमिकल होगा उसके साथ कुछ भी कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसी पत्तियां हैं वो वैसी ही रहेंगी, जबकि आयोडीन जो केमिकल है वो उसकी जो उसका जो रिएक्शन होगा वो सनलाइट वाले प्लांट पर उसकी पत्तियों का कलर चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, नीला काला कलर उसका हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। देखो दोबारा से टॉपिक रिपीट हो रहा है, सिंथेसिस प्रोसेस, सिंथेसिस आपका एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पौधे का भोजन बनता है। ठीक है, सनलाइट होती है। ठीक है, इसको हम देखें तो फोटोसिंथेसिस द डिफाइन एज द प्रोसेस इन विच द क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट सेल सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, ठीक है, और वाटर को यूज करके जो प्लांट होता है उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या काम करता है, इन सभी की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसका फूड, कार्बोहाइड्रेट बनाता है या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, उसके रूप में भोजन बनाता है, सभी को लेता है, वो मिट्टी से मिनरल न्यूट्रिएंट मिनरल होते हैं। ठीक है, मिट्टी से वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ठीक है, सन से लेते हैं, इन सभी को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, वो ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना CO2 लिखते हैं इसको, CO2 वो लेते हैं और O2 वो ऑक्सीजन जिससे हम जीवित रहते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस ये दे रखा है आपका, इसके रॉ मटेरियल क्या क्या है, रॉ मटेरियल मैंने आपको बता दिया है कि वाटर, ठीक है, रूट्स के थ्रू लिया जाता है और पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेड पहुंचाना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है और डिफ्यूज टू द सेल कंटेनिंग क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल सेल्स क्या करती हैं, जो जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है वो उसको तोड़ने का काम करती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन अलग कर देती है, ऑक्सीजन अलग कर देती है, कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम आता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे काम आती है तो ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल देते हैं, उसमें कार्बन पार्टिकल जो होता है उसको ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है, सोलर एनर्जी यूज टू ब्रेक वाटर इनटू द हाइड्रोजन, ये वाटर को तोड़ने का काम करते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन को रख लेते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट विच इज़ अल्टीमेटली यूज बाय द एनिमल एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, सनलाइट सूर्य से मिलती है लाइट जो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सो विद द हेल्प ऑफ सिकेज दैट प्लांट आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, एक डायग्राम के थ्रू बताना है, ठीक है। ये आपका डायग्राम दे रखा है, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, 6th क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, कि जो प्लांट अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। सी, फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किसके द्वारा, किस कलर के द्वारा, पिगमेंट कलर होता है, ठीक है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, कैप्चर किया जाता है, लिया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा, पत्तियों में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। 7th है, नेम द फॉलोइंग, फर्स्ट क्या है, ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, एक पैरासिटिक प्लांट, ऐसा परजीवी पौधा जो येलो कलर का होता है, ठीक है, और ट्यूब लाइक पतले धागे जैसी संरचना होती है उसकी, पतली नली की टाइप की, ठीक है। तो वो कौन सा पौधा होता है, वो होता है आपका कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। ए प्लांट दैट बोथ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें दोनों के दोनों मोड होते हैं, हेटरोट्रॉप्स भी और ऑटोट्रॉप्स, अपना भोजन स्वयं भी बना लेता है और हेटरोट्रॉप दूसरों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, इसमें दोनों क्वालिटी पाई जाती है। कौन सा पौधा है ये, पिक्चर प्लांट, ठीक है, ऊपर दे रखा है इसका डायग्राम। नेक्स्ट क्या है, द पोर्स थ्रू विच लीव एक्सचेंज गैसेस, वो छिद्र जिनके द्वारा गैस जो होती हैं उनका एक्सचेंज होता है, मतलब बदलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। ये स्टोमेटा होते हैं, पत्तियों में आपने देखे होंगे, पत्तियों में साइडों में होते हैं, ठीक है, पत्तियों में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड आती है CO2 और ऑक्सीजन क्या है बाहर निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेक द करेक्ट आंसर, अमरबेल इज़ एन एग्जांपल ऑफ, अमरबेल अभी बताया था कस्क्यूटा क्या होता है, पैरासाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज़, जो प्लांट इंसेक्ट को पकड़ता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है वो आपको पता होगा, पिक्चर प्लांट है, ठीक है, पिक्चर प्लांट, ठीक है। 9th, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड, फर्स्ट को सेकंड के साथ आपको कंबाइन करना है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्तियों में होता है, लीफ में, ठीक है, इसको इसके साथ लीफ में होता है। नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन किसके साथ रिलेशन है इस चैप्टर में, बैक्टीरिया के साथ, ठीक है। अमरबेल क्या है, पैरासाइट आपको पता है, ठीक है। एनिमल के क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स, अपना भोजन दूसरों से लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट को कौन लेता है, पिक्चर प्लांट पकड़ता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 ट्रू फॉल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है फोटोसिंथेसिस में, निकलती नहीं है, निकलती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है, ठीक है, रिलीज तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, ध्यान रखना, इसमें रिलीज ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो ये फॉल्स है, गलत है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, नहीं, सैप्रोट्रॉप थोड़ी ना कहते हैं उनको, तो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, जो भी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भोजन बनता है क्या वो प्रोटीन नहीं होता, नहीं होता, सही बात है, इज नॉट ए प्रोटीन, प्रोटीन नहीं है, नहीं है, मैंने बताया आपको वो क्या होता है, STARCH, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट,
वो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर आपका स्टार्च की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आपका सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही है, सोलर सूर्य की रोशनी को लिया जाता है और केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि भोजन बन सके। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट बताना है आपको, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा पार्ट आपका प्लांट का जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर से लिया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, किससे लिया जाता है? ना तो वो रूट हेयर से लिया जाता है, रूट हेयर से नहीं लिया जाता है, स्टोमेटा से छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनसे ही ली जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया आपको लीव बीन से नहीं लिया जाता है, ना सेपाल से लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट ऑप्शन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में किसके थ्रू लिया जाता है, इसमें क्या बताना है आपको? रूट से नहीं लिया जाता कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेम से भी नहीं लिया जाता, फ्लावर से नहीं लिया जाता, लीव्स पत्तियों से लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है आपका, इस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकंड का इंट्रो करेंगे, ठीक है।